हेलो मेरे प्यारे घुमक्कड़ों, घुमक्कड़ राही के इस नए ब्लॉग, इस नए सफ़र में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको लेके चल रहे हैं अपने साथ सिक्किम, और सिक्किम की खूबसूरत वादियों का आनंद आप हमारे साथ साथ हमारे सफ़र पर उठाइए। सिक्किम के बारे में एक छोटा सा टूर गाइड हमने अपने पिछले ब्लॉग में बताया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आज हम अपना सफ़र शुरुआत कर रहे हैं नॉर्थ सिक्किम से। तो नॉर्थ सिक्किम का सफ़र शुरू करने से पहले उसके बारे में छोटा सा टूर गाइड हम जान लेते हैं। हम अपना सफ़र शुरुआत करते हैं गंगटोक से। गंगटोक से मंगान, मंगान एक छोटा सा टाउन है, मंगान ही लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप मंगान में अपना टैंक फुल करा लें, और आपको अपने परमिट की 5 से 6 कॉपीज़ रखनी होती हैं। मंगान में लास्ट फोटोकॉपी भी अवेलेबल होगी, इसके आगे आपको फोटोकॉपी अवेलेबल नहीं होगी, तो आप मंगान में फोटोकॉपीज भी करवा लें जिससे कि आपको आगे दिक्कत। उसके बाद मंगान से हम लोग आगे बढ़ते हैं टुंग। टुंग हमारा पहला चेक पॉइंट है। टुंग में आपका परमिट चेक होगा और एक फोटोकॉपी सबमिट होगी। टुंग के बाद आता है चुंगथाम। चुंगथाम से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं, एक जाता है लाचेन की तरफ और एक जाता है लाचुंग की। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं लाचेन। लाचेन में हम जब तक पहुंचेंगे तब तक शाम हो जाएगी, तो हम लोग वहाँ स्टे करेंगे। होटल में ही आपकी फूडिंग की भी व्यवस्था होगी, तो ये आपका टूर पैकेज में इंक्लूड रहता है। ये है नॉर्थ सिक्किम के लिए घुमक्कड़ फैमिली का परमिट। क्योंकि हम लखनऊ से सिक्किम अपनी गाड़ी से ही घूमने के लिए आए हैं, तो हमने अपनी गाड़ी के लिए ही ट्रेवल एजेंट के थ्रू परमिट बनवाया है। चलिए अपने सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं। बादल पहाड़ों पे बिल्कुल रुई की तरह इफेक्ट दे रहे हैं। एंड द ब्यूटी इज ऑसम, बिल्कुल बादलों की तरह। हाय, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बादलों के बीच से होकर के हम लोग जा रहे हैं। जो ये फीलिंग है ना, ये मतलब कहीं और आ ही नहीं सकती है। और बादल हमारी गाड़ी के अंदर से निकल के इस खिड़की से निकलते उस खिड़की से आ रहे हैं, वैसी फीलिंग है। और इतना खूबसूरत मौसम है, बिल्कुल एकदम धुंध है। हम लोग बादलों से धीरे धीरे करके ऊपर निकलते जा रहे हैं। ये कोहरा नहीं है, ये बादल है। इतना प्लीजेंट मौसम है, इतना प्लीजेंट मौसम है कि बस वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यहाँ से नॉर्थ सिक्किम का बॉर्डर स्टार्ट होता है, और ये देखिए हमारा वेलकम हो रहा है नॉर्थ सिक्किम के लिए। वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। वाह, कितना बड़ा वाटरफॉल है और कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रोकी, और अभी तो हमारे सफ़र की जस्ट शुरुआत है। और देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, और आगे आगे सफ़र में न जाने हमें क्या क्या और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर चलेंगे आगे। बच्चे ऐसी जगहों में आके कितने मस्त हो जाते हैं। देखिए दोनों भाई बहन बिल्कुल मस्त अपना टहल रहे हैं। अरे बच्चों देखो सामने कितना बड़ा झरना है, ये कितनी ऊंचाई से बह रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग स्टे करेंगे। प्रेशर देखिए, ये झरना जो है ये नागा फॉल है, और ये मंगान से टुंग के रास्ते में पड़ता है, और ये काफ़ी फेमस झरना है, तो यहाँ पे स्टेज बनता है।
बंबू ट्री नीचे गिर गया और ये गाय मस्त अपना खाना खा रही है। चलिए मैं ही जाती हूँ बंबू हटाने के लिए। उस पार जाओ, बड़ी डंडी को पकड़ो, उस पार जाओ, बस अब हम टूंग चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे अब हमारा परमिट चेक होगा। ये रास्ते यहाँ पे कहीं कहीं थोड़े थोड़े ख़राब हैं बट बहुत ज़्यादा ख़राब रोड नहीं है। ओवरऑल अगर एवरेज से देखा जाए तो रोड काफ़ी अच्छी है बट कहीं कहीं क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाता है या पानी यहाँ पे झरने इतने सारे हैं तो इसकी वजह से रोड थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और ये है थंग टनल जो कि सिक्किम की लॉन्गेस्ट टनल है जिसकी लंबाई 578 मीटर है और ये प्राइड है नॉर्थ सिक्किम का। अब हम चुंगथांग पहुंचने वाले हैं और ये चुंगथांग से पहले एक डैम बना हुआ है। यहाँ का जो नज़ारा है ये माइंड ब्लोइंग, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उस पे जो टिके हुए बादल, वाव। अब हम लोग चुंगथांग पहुंच चुके हैं और ऊपर से हमने शहर दिखाया था, ये शहर बड़ा खूबसूरत लग रहा था ऊपर से। पहाड़ों के टाउन वैसे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े टाउन नहीं होते और चुंगथांग भी ऐसे ही एक छोटा सा टाउन है। जैसे जैसे हम नॉर्थ सिक्किम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं नज़ारों की सुंदरता बढ़ती ही चली जा रही है। सामने जैसे आप देखेंगे सामने ऐसा लग रहा है जैसे बादलों का पूरा समंदर। अरे ये पुलिस वाला क्यों रोक रहा है? जी। अरे यार पुलिस वालों ने हमारा GoPro ले लिया बिकॉज आगे सारा मिलिट्री एरिया है तो उनके अकॉर्डिंग आगे अब GoPro यूज नहीं कर सकते अपना। अब हम जब पूरी ट्रिप अपनी करके वापस लौटेंगे और चुंगथांग वैली आएंगे तभी हमें पुलिस स्टेशन से हमारा GoPro वापस मिलेगा। बहुत बड़ा कांड हो गया, अब हम वीडियोस कैसे शूट करेंगे? पूरा ट्रिप का मजा किरकिरा कर। अब हम लोग लाचेन पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे हम होटल देखेंगे और इस वक्त बज रहा है 4। हम लोग रास्ते में काफ़ी इंजॉय करते हुए और नज़ारों का आनंद लेते हुए आए हैं। तो गाइस अब हम फाइनली लाचेन पहुंच चुके हैं, आज का ये हमारा स्टॉप है यहीं पे और ये बहुत खूबसूरत शहर है, इतना कलरफुल है। यहाँ पे वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है, आप जैसे ऊपर देखिए ये आपको जो फॉगी सा ड्यूई ड्यूई लग रहा है ये बेसिकली बादल है जो कि धीमे धीमे अब शाम के टाइम पे नीचे आ रहे हैं और कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली में बादल मूव हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कॉटन कैंडी है तो बिल्कुल इतने ज़्यादा ऐसे देखने में इतना ज़्यादा सॉफ्ट और ऐसा लग रहा है बस बादल ऐसे आएंगे और नीचे से गिर जाएंगे। तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे मौसम। तो अब चलिए रात के डिनर का वेट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे गुरु डोंबर लेक। ओके बाय बाय टिल दैट टाइम।